अरे अरे आराम से, यहाँ पे दौड़ भाग कूद फान नहीं कर सकते। आगे भाई, गाड़ी आगे जी। बस बस ठीक। नहीं 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 लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। यहाँ से निकल रहे हैं, वापस से अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से चाबी लेंगे, लाइट लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 9000 फीट पे उतरना है अभी। रास्ता आप देख ही रहे हो, रियल एडवेंचर हो रहा है ये, रियल एडवेंचर। मैंने आज तक लाइफ में इतने ज़्यादा स्नो में मतलब गाड़ी नहीं चलाई, जहाँ पे पूरा स्नो ही स्नो है। फिसल रहे हैं हम, मरने वाली कंडीशन, मतलब मरने वाली तो कंडीशन नहीं है, मरेंगे तो डेफिनेटली नहीं, बट या डेफिनेटली डिफिकल्टीज और एक्साइटमेंट, एड्रेनल जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ साथ साथ चल रही है। तो रोड आप देखो बहुत ही खतरनाक है। थोड़ा विंडशील्ड पे ऑक्सीजन मारते हैं। चार लोग हैं, मतलब कर लेंगे। अरे हिम्मत नहीं आना है, जैसा भी होगा निकाल देंगे सर। हल्का गाड़ी बोलते हैं, धक्का देके मुड़ जाएगी, इतनी 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 चिकनी है मिट्टी, मतलब मिट्टी बोलते, इतना चिकना है ना स्नो। दो आदमी अगर एक साइड से धक्का दे दिया ना, तो उसी साइड जाने लगेगी गाड़ी। कोई ग्रिप नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो फिर आएगा रिकवरी वैन और क्या। फौज इतना, जब तक अपने फौज साथ है तब तक तो कोई टेंशन ही नहीं है। Nothing can be more adventurous than this, yeah. Absolutely, buddy. मतलब this is next night level. Drive in a snow and I mean, that too at this altitude. Seriously. क्या चाहिए था? Snow, slush, temperature below zero. Minus. I hope ये series आपको अच्छा लग रहा हो। हमें बहुत मजा आ रहा है इन सब चीजों को आपको दिखाने में। आपको भी उतना ही मजा आ रहा होगा इन सब चीजों को experience करने में through our lenses. Explore the unseen, इसी का नाम है। बिल्कुल, जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया हो। रात में साला स्नो में कौन ड्राइव करता है यार? रात में किसकी गाड़ी खराब होती है और रात में कौन बनाने जाता है? नोबडी। सब राम भरोसे चल रहा है भाई। एक्सक्लूसिवली फॉर यू ऑल कमिंग थ्रू आवर लेंस। हल्का सा चूक और आप खत्म, आप खत्म। देख रहे हो स्लश लेवर हो जाएगा। यार एक होता है ना, जैसे हाथ पैर नम हो जाते हैं, हाँ। उसी तरह यार दिमाग भी धीरे धीरे जो है ना, ठंड के कारण नहीं, इस मतलब एड्रेनालिन गश, एड्रेनल जो भी गश हो रहा है ना, रश गश, रश गश, एड्रेनल रश होता है ना। रश तो मतलब ठीक है, गश भी होता है। अच्छा अब ठीक है यार, आज मनी जो बोलेगा वही होगा भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, मनी तो कल बोल रहा था यार, कल बहुत रस्सी बांधा था। बट आर्मी ने हमें बहुत हेल्प किया, नहीं? Yes. चनन भाई इनक्रेडिबल। हाँ, आर इंडियन आर्मी, और हम इन्हीं के भरोसे ना सब चीज कर रहे हैं कि हाँ यार आर्मी है, मरने नहीं देगी, जिंदा रखेगी। कहीं तो यहाँ का वेदर इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि जो लोग यहाँ से 50 किलोमीटर पीछे हैं उनको पता नहीं हो रहा है कि वहाँ ऊपर हो क्या रहा है। स्नोफॉल है, ऑलमोस्ट 14,000 फीट, टू बी प्रिसाइज 13,700 फीट पे है सला पास। बहुत ज्यादा स्लश है, बहुत बहुत ही ज्यादा स्लश। एंड वो बीच बीच में कुछ कुछ पैचेस है ऐसे जहां पे मिट्टी है, पूरी मिट्टी, और बर्फ पिघल रही है, जम रही है, पिघल रही है, जम रही है, तो पूरा ब्लैक आइस और स्लश का मिक्सचर है, जो कि गाड़ी के लिए बहुत डेंजर। बट देन ऑल टेरेन टायर्स आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड। हाईवे टेरेन में ज़्यादा डिफिकल्टी, क्योंकि प्लेन होते हैं वो हाईवेज के लिए, नॉइस कम है उस टायर में, ठीक है। हाईवेज पे आप ऑल टेरेन टायर चलाओगे तो आपको स्टेबिलिटी, आपको इंजन पे स्टेयरिंग पे वाइब्रेशन फील होता है, और हाईवे टेरेन में सपट के एकदम चपट के चलती है,
रोड चिपक के, सपट चिपक पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, बट दिस टेरेन, मतलब इस टाइप के टेरेन में जहाँ पे आपको स्लश, बर्फ और ये सारी चीज़ें मिल रही है, ऑल टेरेन टायर्स आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। अभी 5:55 हो रहे हैं, 6 भी नहीं बजे, और हाँ 6 बज गए, तो 6 बजे देख लो कितना कतई जहर अंधेरा है। तो अभी दोनों भाई सामान लेने गए, मैं गाड़ी घुमाता हूँ क्योंकि ड्राइविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 1000 से ज्यादा ऊपर नीचे करते हो तो दर्द होता है, तभी तो यह बोल रहे ना 6 दिन तक यहाँ पे भाई रुको एंड देन यू कैन गो टू दैट प्लेस। हाँ, तुम्हें पता है शीशे पे पूरी बर्फ जम गई है। माइनस में है ना टेम्परेचर यार। साइड व्यू मिरर पे पानी जैसे बूंदा नहीं होता, बूंद बूंद वैसे पुश स्टार्ट जो बाहर कीले से ट्री होती है जो उसको दबा नहीं पा रहा, वो पूरी बर्फ जम गई है उस पे। विकास भाई क्या आवाज भी जम गया है यार? मेरा आवाज भी जम गया भाई, वो रुक रुक करके आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है मुंह में खीरा ले लिया है। खीरा बोला यार, हमेशा गलत सोचते हो यार। मतलब उनको याद करना। अब यार तुम तो यार कभी बहुत ज्यादा ले रहे हो, कभी लगा रहे हो, मतलब तुम बहुत ज्यादा नॉनवेज का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या करें यार, चिकन बहुत प्यारा है हमें, मतलब देखो भयंकर स्लश भाई, भयंकर स्लश, अल्लड़ मजा है भाई। गाड़ी की पेंटिंग हो रही है, गाड़ी की पेंटिंग हो रही है, नेचुरल पेंट ब्राउन रंग। एक नंबर पे करेगा, दो नंबर पे बैलेंस रहेगा, क्योंकि एक नंबर पे बहुत ज्यादा टॉर्क होगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी चक्का घूमेगा, समझना। देख लेते, दो नंबर पे क्लच मत लेना, हल्का सा सिर्फ जो है ना एक्सीलेटर देते जाओ और निकालते जाओ विदाउट क्लच, बेस्ट निकलेगा। आ गया नहीं, तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ यही पे है, वो दिख रही है, वो रिफ्लेक्टर नजर आ रहा है। आगे भाई, गाड़ी आगे जी, बस बस ठीक। नहीं 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 लेना, नहीं लेना, नहीं लेना भाई, इधर 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 हेल्प करो। अपने आप ही घूम गई। अरे रे रे, चलो मैं साइड करता हूं, मनी रुक जाओ, हटो। बहुत ज्यादा स्किट कर रही है, बहुत ज्यादा। तुम देखे कैसे घूमी, देखो कैसे जा रही है, अपने आप ही जा रही है। बर्फ एक्चुअली यहां तक है, यहां तक बर्फ है। ये अपनी गाड़ी रही, और नीचे उतरने की कोशिश करते हैं।
ये गाड़ी रात भर यहाँ पे थी, ऊपर पूरी बर्फ जमी हुई है इस पर। मिलिट्री वाले आर्मी वाले भैया लोग हेल्प कर रहे हैं हमारी, ये नहीं रहते तो शायद निकल भी नहीं पाती। ये जैक लगाया है, ये चक्का है, जिप्सी में होगा ना। हरिओम भाई कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है, देखते हैं अभी ब्रेक फ्लूड देखते हैं क्या आ रहा है, ब्रेक आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें ब्रेक कराते हैं। दो दिन कंटिन्यू बर्फ, मौसम साफ रहेगा दो तीन दिन तब जा पाएंगे, फिर जा पाओगे अगर बर्फ ना पड़ी तो। कल इसका क्या आइस बन जाएगा ये पूरा? बिल्कुल बर्फ बन जाएगा इसका, बन जाएगा इसका बर्फ, और स्लिप तो कम स्लिप कर रहा है, बिल्कुल स्लिप करेगा। तो कल पता नहीं, अभी ब्रेक आ रहा है, अभी ब्रेक आप एक बार पहिया लगाइए और देख लीजिए, अच्छी सेफ जगह पहुंचिए, फिर ब्लीडिंग करना उचित है। तो गाड़ी का एयर निकाल रहे, ब्रेक का बेसिकली फ्लूइड तो डाल दिया है, ब्लीड करा रहे हैं, ढक्कन निकाल देते हैं। बर्फ देखो यार, चलो पूरी आइस हो जाइए, शूज पूरे गीले हो गए, अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ है। अलग लेवल का एडवेंचर है भाई ये। टाइम बज रहे हैं 7 बजे के आसपास हो रहे होंगे, आर्मी वाले भैया लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। देखो कितना स्लो है और अभी भी मेरा पैर नहीं पहुंच रहा। अब जब आए हैं तो थोड़ा स्नो में भी खेल लें भाई। अरे बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो। यहाँ अलग गाड़ी भाई ऊपर तक ले आए बिना चक्के में चेन या रोप लगाए, ऑल टेरेन टायर्स। अब देखो पूरा चक्का एकदम सपाट है, मतलब स्किल्स आपको कहीं भी ले जा सकती है, एंड देन आपकी ड्राइविंग स्किल्स आपका टेस्ट इसी टेरेन्स पे होता है। कल ये रात में गाड़ी यहीं पे पड़ी हुई थी और ऊपर देखो बर्फ इसके छत के ऊपर। ठीक है, यहाँ से नीचे उतरते वक्त बहुत आराम से उतरना है, बहुत आराम से, मतलब पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। ये गाड़ी का धुआं है ऐसे नॉर्मल? नहीं, 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 गाड़ी का धुआं, गाड़ी का धुआं, गाड़ी का। कैमरे को समझ में नहीं आ रहा फोकस कहाँ करना है। चलिए सर बैठिए, अभी अभी बैठो सर, चलो इसको साइड में कर दो सर, इधर हटेगा फिर इसको इधर ना, उधर फेंको उस साइड में, फेंको चलो, अभी तक और मारना पड़ेगा इसमें साथ में, सच मत गिराना है अभी वो कांच पर गिरेगा, वो जमा होगा, जम रहा है कांच। हां कोई भी कांच ऑपरेट ही मत करिए, कांच और फ्लूइड भी नहीं, जो वॉशिंग फ्लूइड है ना वो भी जम गया होगा। इधर देखना नहीं है सर, इधर नहीं, काटते जाना है बिल्कुल, सीधे ही आ जाइए। हां चलो नहीं नहीं दूर है, दूर है मेरी गाड़ी, दूर है जोर से एकदम, बस 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 निकल गई। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।
ब्रेक की ट्राई भी मत करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग नहीं रहते तो बिल्कुल नहीं हो पाता सर। थैंक यू, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत हेल्प की आप लोगों ने, बहुत हेल्प की। फिर देखते हैं अगर जा पाए तवांग तो मिलेंगे। हाँ अभी बाकी दो दिन कम ट्राई करना, क्यों दो दिन तक सही नहीं रहेगा इधर। कंच कल बिल्कुल कंच बन जाएगा ये आएगा। चैन आपकी गाड़ी में लगाने लायक है? नहीं, जगह नहीं है इस गाड़ी में, जगह नहीं है। वो जो अभी तो आप रस्सी से तोड़े हैं, चैन से पता नहीं क्या कहते थे। अच्छा चलो आराम से, आराम से, आराम से चलो। ऑलमोस्ट गिरता, दूसरी बार गिरता, एक बार वहां पे गिरा। भाई रस्सी काट दे क्या इसकी? उनको उतना रस्सी, रस्सी तो फंस नहीं जाएगी दूसरी। नहीं नहीं, लपट के कट के, नहीं फंसे, कट के काट दे क्या भाई? हाँ रस्सी तो कहीं कट जाएगी। हाँ काट देते हैं, लेकिन वो और कुछ ना काट दे। चलो काट देते। अरे आराम से, तुम साला गिरना मत। अरे यार मेरा पता, बोल देते ना सर। पकड़ भाई इसको अपने साथ रखो तो तुम्हें लाइट भी आएगा। ऐसे खुलेगा नहीं यार, ये तो जम गया होगा। हेक्साब्लेड था ना आपके पास? आपके पास वो हेक्साब्लेड का है? रुको अपनी गाड़ी में। हाँ उस वाले सीट के नीचे, उस वाले सीट के नीचे, सीट के नीचे। हाँ मिल गया। अरे यार याददाश्त होनी चाहिए बस। हाँ बस बस भाई, भाई काट देते हैं। रुक जाओ वो पीछे पीछे। यार ये इतना स्लिप कर रहा है, इतना स्लिप कर रहा है। पार्टी पार्टी पार्टी, मेरे जूते में ग्रिप देखो, और उसके बावजूद भी ये क्या है, ये क्या है? ये बर्फ के लिए यही बोला था कि इसी को जो है जरूरत पड़ने से और घुसाना है और निकालना है। डॉक्टर साहब के और विकास भाई के अथक प्रयासों से सर मजा आ गया, मतलब अलग लेवल का एडवेंचर ना। जान लोगे क्या एडवेंचर? इतने बड़ा कोई यूट्यूबर भी नहीं किया होगा। वो तो यूट्यूबर हवाबाजी करते हैं, उनको थोड़ी पता है। पायलट तो शोकिया तौर पे आते ना। रस्सी खोल रहे बिकॉज रस्सी यूज हो जाएगी। हाँ तो मासूम सा स्नो नहीं रहा। क्या 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 इधर देख के बताओ। ये अब जो बर्फबारी हुई है ये अपना मासूमियत खोके धीरे धीरे कठोर होता जा रहा है। बहुत कठोर ना? बहुत ज्यादा, और यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कल सुबह। दोनों गाड़ी लगा के लेंगे। यस टाइम उस पे लगा के, स्टैंड पे लगा के। अरे अरे आराम से, यहाँ पे दौड़ भाग कूद फान नहीं कर सकते। ओह अमेजिंग एक्सयूवी विदाउट स्नो चेन, विदाउट स्नो रोप कर दिया हमने। फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव कर दिया हमने। और सेला पास से बिना मदद के। हाँ ऐसे सिर्फ हमने मैकेनिक मंगाया था, बिना टोचन के बाहर आई है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब परफॉर्मेंस में इसका 100 में 100 है। देखो ये जो पूरा स्नो है ये पूरा जम गया है, ये पूरा पूरा स्नो जमा हुआ है भाई। ये पत्थर है सर ना? नहीं पत्थर नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। ये पत्थर है भाई, पत्थर है। -5-7 डिग्रीज है यहाँ पे, ये पूरा स्नो, अब स्नो नहीं रहा। तो अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, टायर पूरे ठंडे हो चुके हैं। ये पूरा जो खड़खड़ाहट है ना ये रोड पे, ये स्नो चेन की वजह से है। और स्नो एक्चुअली इतना थिक है, पूरा ब्लैक आइस है, पूरा ब्लैक आइस। बस गियर पे उतर रहे हैं, बहुत धीरे, बहुत ज़्यादा धीरे। ये बनाने में ना बहुत बहुत मेहनत लगी है। लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। Takes hell lot of pain, yaar, to come up to here at -5 degrees. हाँ -5, मतलब normal कोई boots नहीं है, कोई ऐसे हमारे पास ये नहीं है। उसके बाद फिर tire change करना। पूरा हाथ सुन पड़ा हुआ यार, हाथ work नहीं कर रहा है, आगे finger tips work नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत यार। But hats off to you, money. अरे क्या जज्बा यार, हाँ यार करना है।
सेकंड गियर पे इंजन ब्रेकिंग यूज कर रहे हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। कोई रश नहीं, ब्रेक्स बहुत ही हल्के, बहुत ही निबल। अगर ब्रेक मार दिया कस के तो पूरी गाड़ी एक साइड चली जाएगी, जिस साइड जा रही होगी उस साइड जा रही होगी। एक चीज सीखने वाली है ना कि यार कभी भी बाहर निकल रहे हो ना तो यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब साला सोचा किसने होगा यार ब्रेक का हॉर्स पाइप ही टूट जाएगा। हरिओम जी, योर लाइजनिंग हैट्स ऑफ। मतलब शाम में, दोपहर शाम में हुआ और आज दोपहर में हमारे पास वो सामान आ गया, वो भी तेजपुर से, टैक्सी में, टैक्सी वाला कॉन्टेक्ट करके। मतलब हैट्स ऑफ हरिओम जी, हैट्स ऑफ। दिस शोज हाउ मच आई मीन यू आर इनटू दिस ना, मतलब कितने आपने लोगों को मदद किया है जो कि आपको वो रिटर्न में ये मिल रहा होता है। दिस इज व्हाट इज हेल्प दैट यू हैव गिवन सम डे समवेयर, कहीं ना कहीं आपने किया होगा, वही वापस मिलता है ना आपको। मतलब नेचर है ना यार, इट मेक्स इक्विलिब्रियम। जहां आप कुछ दे रहे हो कहीं ना कहीं से आपको भी वापस रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। रोड पे बर्फ है, काफी है, बट धीरे धीरे चलेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। आगे से कुछ गाड़ियां भी आ रही है, एक पास देने वाला सिस्टम ना मिलिट्री की हो सकती है, हो सकता है ऊपर बहुत लोग आज फंसे हैं। सामने से गाड़ी और स्लश में चक्का रोटेट करने लगे, मतलब लग जाती है यार। बहुत ही झन्नाटेदार बर्फ हो रही है यार कल तो, और ये बढ़ेगी। बहुत तेज हो गया यार ये तो, एक्सट्रीमली तेज हो गया। मतलब अब इससे ज्यादा तेज तो नहीं हो सकता है। मतलब नीचे अगर हम लोग पहुंच भी रहे हैं उसके बाद भी मेरे ख्याल से ये रोड क्लियर होते होते ना इट विल टेक अनदर 2-3 days यार। इतना जहां बर्फ गिर रहा हो ना, we cannot think of going to Tawang now. I mean, it's not at all possible. तो पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन को। हरिओम भाई भी गाड़ी लगा रहे हैं, कुछ बाइकर्स भी हैं जो शायद यहाँ पे फंसे हैं या पता नहीं क्या है, तो लगाते हैं दोनों गाड़ी एक साथ। मैं तो अभी बैठ के इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपडेट करूंगा। ये पूरा एक्सपीरियंस है ना एक नंबर भाई, जबार कता, भाई जबार। इसको कहते हैं कतई जहर। मैं भी कतई जहर वाला एक्सपीरियंस, कोबरा वाला। ऐसे रहना, एक फोटो लेते हैं। बज गया आज, वो सिर्फ हाथ से खुल रहे थे, सारे नट खुले हुए थे। हाँ, हाथ से खुले, टाइट नहीं हुआ था वो, मतलब पूरा टक 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 टक। अभी टाइट है, अभी टाइट। फिर हमने रोका, फर्स्ट में रोके ना, चार चार राउंड लगभग सारे। हाँ, तीन तीन चार चार राउंड सारा कुछ। मेरा टायर, ये टायर, ये क्या होता है ना, हमेशा टायर के जो बना होता है ना, वो उसके अंदर फैटता है, तो कभी भी नट थोड़ा बहुत भी ढीला रह जाता है ना, तो टायर कहीं नहीं जाता। इस तरीके से बनावट उसकी, देखा ना, अंदर घुसता है। लेकिन ये तो क्या था, बाहर ही था, उसमें गैप आ गया। इनने हो सकता है कि स्नो आ गया होगा उसमें, तो उसने ऐसी लगा दी, टाइट नहीं हुआ होगा, फिर वो पिघला तो सारा ही लूज हो गया। तो आपने रुक के टाइट किया? रुक के फिर टाइट किया ना, फिर बोनट खोल के हमने उसको पानी निकाला, पानी तो मेरे नीचे पड़ा, फिर उन्होंने उसको लगाया फर्स्ट में जो रुके। फिर सेकंड में क्या हुआ कि वो पूरा मलबा मेरे कांच पे आ गया। जीवन में लौटना होगा तो 50 बार लौटेंगे, नहीं लौटना होगा तो नहीं लौटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे ही तवांग। आप कितना कोशिश कर लो, कितनी दुनिया के हाथ पांव मार लो, तवांग नहीं जाओगे आप, पहुंच ही नहीं पाओगे। नहीं तो फिर इधर से तवांग, जय जवाहर, चलो वापस।